मेरे ख्याल से 10 घंटे के लगभग मीटिंग हो गए। मैं कलेक्टर साहब, जिला प्रमुख साहब, किंगसर एमएलए, हमारे बेड़सा एमएलए सहित तमाम जो डीएलओ भारत सरकार के, हमारे जो लोग राजस्थान सरकार के डीएलओ, सब ने अपना कीमती समय दिया, सबने सुझाव दिए। छोटी मोटी बात अगर कहीं हॉट टॉकिंग भी होगी तो उसको आप माइंड में नहीं लेगी, बात मीटिंग में चलते रहते। हमारा सबका मकसद एक है कि गरीब को न्याय मिले और जिंदा मक्खी नहीं निकले आपको। अगर एकदम सामने आ जाए तो आप क्या करोगे, आप बताओ। मान लो अपन सड़क पे चल रहे हैं और अकेले हैं और अपने में अटैक हो जाए तो आदमी बचने का प्रयास तो करेगा नहीं करेगा, वो क्राइम नहीं करेगा, खतरा पड़ेगा उनको। तो जिंदा मक्खी नहीं निकले, सारी व्यवस्था एक दिन में तो आपके ठीक हो सकती है, मेरे हो सकती, प्रयास जरूर करें कि मौका लगा तो व्यवस्था को ठीक करेंगे। अभी जगह नहीं, लोगों को देते जगह की स्थिति में आए कि एक जमाना था 20 साल पहले जब मैं आया था तो, और 20 साल जब जिन लोगों का लोग फोटो लेते थे वो तो सो गए रहे उनके, और आज हमारे साथ जोड़ रहे हैं लोग, समय के साथ तो संघर्ष किया उसी का परिणाम, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं तो संघर्ष करता है। जो जितने भी आप मेंबर में यहाँ सवाल उठाए, बाटी जब आप सुना आपके काम की बात, आप हर मेंबर ने सवाल उठा के मेरे पे डाल दिया कि एमपी साहब आप जाना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली में मैं आपकी सरकार से लड़ रहा हूँ, अपनी स्टेट में इस सरकार से लड़ रहा हूँ, दोनों सरकार से लड़ रहा हूँ। तो योद्धा जो कहते हैं ना कौन होता है, जो लड़ता रहता है, उस भूमिका में आपके काम भी करा रहा हूँ, ऐसा नहीं खाली बातें ही कर रहा हूँ, काम भी करा रहा हूँ, प्रयास भी करा रहा हूँ। और मेरे हिसाब से पिछले 20 सालों में हमने किसी को कल परेशान नहीं किया, ये एसपी साहब जानते हैं इस बात को, ये क्योंकि एसपी तो जांच भी सरकार को हर माध्यम होता है। हमारा मकसद इतना ही है कि कहीं कहीं गाड़ी पटरी पे आए, इस व्यवस्था को अगर नहीं बचाएंगे, संस्कृति को नहीं बचाएंगे, मानवता को नहीं बचाएंगे, समाज नहीं बचेगा तो फिर अपन अकेले क्या कर लेंगे। ये सारी सारा माफिया का राज करेगा, पुलिस क्या करेगी, सारे नेता दृष्टिमान हो जाएंगे, सारे अधिकारी हो जाएंगे, व्यवस्था कौन ठीक करेगा, क्यों बच्चों को पढ़ा लिखा रहे, कौन सी शिक्षा हम दे देंगे। कलेक्टर साहब को मैं धन्यवाद होता कि एक्शन लेते हैं, थोड़ा सा कलेक्टर साहब क्या ज्यादा दयालु प्रवृत्ति के हैं, तो दया ज्यादा आ जाती है और इस कारण से कई लोग बदमाशी कर जाते हैं नीचे के स्तर पर। तो मैं कलेक्टर साहब कहूँगा हमारा सहयोग आपको पहले भी रहा और कलेक्टर साहब एक साहब को खुश होना चाहिए, शायद आप पहले कलेक्टर हैं जिनके लिए मुझे कलेक्टर की तरफ आई थी, जब एक एक बार राउंड काट करते हैं ये आपका इसलिए कि भाई हमें भरोसा है कौन कोई कोई काम हो जाता है, तो आप सबका दिल जीते हैं, सबको साथ में सारे अधिकारी ये तय करके यहाँ से जाए कि हमें इस नागौर को आगे लाना, प्रयास कर सकते हैं। पीछे तो बहुत है, हम हमारे साथ पीछे कई जिले हैं, कई जिलों में जाते हैं लोग कहते हैं काश इनके देश नेता हमारे जिले में, प्रयास करें राजस्थान के हर जिले में, जहाँ भी छोटी सी बात होती है हनुमान जी आप यहाँ जाओ, आप न्याय दिलाओ, हर समाज हर वर्ग प्रयास करें, तो जरूरी नहीं सारे लोग हमें माने फॉलो करें, प्रयास करें, प्रयास किया तो परिणाम भी निकला। एनडीए में गए प्रधानमंत्री के साथ, एनडीए छोड़ी और पार्टी मीटिंग हो, कितने राजस्थान में रहता था बैठा बैठता हूँ और पार्टी मीटिंग करते हैं, देश के बड़े लोग बैठते हैं बात ही करते हैं, पार्लियामेंट करते हैं, जब तक है जब तक काम करेंगे और लगेगा कि बिल्कुल ही जिंदा मक्खी निकले उस दिन राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे। इतना माता भी देखता है, इतनी माता भी देखता है। आप सबको जब जो हमारी सफलता मीटिंग हुई, आप सब यहाँ आए, अलग अलग कोने से भी लोग आए, जोधपुर से भी आए, भीलवाड़ा से भी, सब जगह आए, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। प्रमुख साहब को विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद कि मेरी जितनी भी मैराथन मीटिंग हुई, इस बार बहुत मीटिंग कराई, कलेक्टर साहब ने बहुत सहयोग रखा, DIC पानी की मीटिंग, आपकी सड़कों की मीटिंग, और इसमें काम भी हुआ। जैसे ही अपने मीटिंग करी, सेकेंड डे थर्ड डे सरकार से हमने उस काम का पीछा किया और काम हो गया उस मीटिंग, और अभी भी प्रयास करें। DMFT की मीटिंग जो 5 साल से पेंडिंग थी, 18 के बाद में भी हमने करी, हमारा बजट उसके अंदर 70 करोड़ प्लस था, अभी सरकार ने 22 करोड़ रुपए भेजे और कर ले लेते हैं, करें प्रयास। आज के सोचने को और आए, कम से कम जो 70 करोड़ रुपए अपना आके और जिले में लगे, और हम चाहेंगे कि चुनाव से पहले लगे तो और पैसे जाएगा, दिल्ली का पैसा भी लगे। प्रधान जी घरों का वाला बैठे हैं, इनकी मैं पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं तो देखिए ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरा विरोधी व्यक्ति है वो अगर मुझे कहते थे सब इस काम में आप इंटरवेंट मत करना, तो मैं नहीं करता, तब प्रशासन ध्यान दो। मैं ऐसे MLA को कहना चाहूँगा कि जो जिले में MLA बने ना, ज़्यादातर 98-99% दोबारा नहीं बनेंगे, मैं बताऊँ बताता हूँ। इसलिए जब तक है कोई ऐसा काम नहीं करे कि बाद में नागौर जिले की पुलिस उनके पीछे दौड़ती हो,
परिवार को पीछे दौड़ेंगे ना, पूरी डाल दिया जब सरकार ने दौड़ेगी पीछे, ऐसा काम करके सारे मान मजवा नहीं बन सकते जो सरकार हमको दी। ये मेरा विधायकों को विशेष रूप से जिनमें 5-6-7 मेरा आशीर्वाद से इस बार बने थे, विशेष रूप से ध्यान रखना किसी को सताना नहीं है, तंग नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। पैसा तो कभी भी आदमी कमा सकता है, नाम कैसे कमाए इस बात से दिल्ली में अधिकारियों को भी संदेश दूंगा कि अति नहीं करें, ठीक ठाक अगर कर लिया तो बंद कर दें काम, ठीक है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे भूमि मरो आप, ये भी नहीं कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, ईमानदारी से काम करो, अच्छी बात है। कई लोग मेरे साथ रहते थे इसलिए मुझे छोड़ गए, बीच बीच साल हो गए इनके साथ क्या कर लिया हमने, लेकिन वो जो दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन इसको फॉर्च्यूनर गाड़ी जरूर खरीद थी लेकिन वापस मेरे पास ही है। उनको पता था कि वहाँ सब सारे लूटर बैठे हैं, कमीशन मांग रहे थे अदर इधर से। तो यहाँ ये तो सिस्टम ही बहुत बड़ी बात है। आज का जो कार्यक्रम हुआ बैठक हुई, इसके लिए सबको मैं धन्यवाद दूंगा। आगे भी अपन मिलते जुलते रहेंगे। प्रमुख साहब का छोटा सा इश्यू है दीपो का, प्रमुख साहब का सबको धन्यवाद। उसके बाद एक बार अच्छा बोल देंगे मेरे पास, बहुत बहुत आप सब धन्यवाद। विशेष रूप से तमाम अधिकारी जो लोग का जो हमें हमेशा हमारा कई हफ्ते के आप हमारा सपोर्ट करते हैं, आगे भी हम जानकारी धन्यवाद आपने। एक बार मीटिंग मीटिंग के बाद हमारे एक जो सारे मेंबर साहिबान है जो किसान के प्रधान एमएलए और कुछ देर लोग जिसके अंदर फोन एक थोड़े हैं खाली लेकिन कोई नहीं एक ही अच्छा मुंडवा एक चार रुक जाएंगे कुछ हमारे जो केंद्र के आए हैं ना कोई गैर है कोई एन एच आई वाले बेटा एक एन एच आई के हो गए जो दिल्ली की योजना होती है जैसे लीड में जो बात ये लोग एक बार उठ गए हैं आपके सारे ठीक है। दो तीन हमारे जो ऐसी हैं इससे ऐसी राठा दो पी एच डी